नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा सेवा चयन परीक्षा के अपडेट न्यूज में। बात करेंगे केंद्रीय शिक्षा परीक्षा का तिथि अब 14 दिसंबर को कर दिया गया है। वहीं वन दरोगा भर्ती के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि ये लोगों में पीएचडी प्रवेश के आवेदन भी शुरू किए गए हैं। और बात करें तो कुल सीटें 2,28,000 हैं, जबकि आवेदन 2,95,000 आ गए हैं। गवर्नमेंट की जो फीस है 10,200 रुपये है, जो प्रशिक्षण निजी विद्यालय की वो 41,000 की है और एक साल की फीसें हैं। तो 14 दिसंबर का जो डेट बदला गया है वो सबसे अधिक हाईलाइट है। यहाँ पे अब अनंत में रोशन रहेंगे रतन टाटा जी, ये है इनकी जीवनी। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। धैर्य और धीरता से चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि वे सफलता का आधारशिला है। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन आप लंबी दूरी जाना चाहते हैं तो साथ चलें। सबसे बड़ा जोखिम जोखिम नहीं उठाना है। तेजी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रेटेजी है जो नाकाम बना सकती है, वह है जोखिम न उठाना। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें लीजिए, उनका उपयोग अपने यानी कि अपने मॉन्यूमेंट बनाने में कीजिए। तो चार बार प्यार हुआ पर शादी अटकी रही। रतन टाटा जी की भारत आसियान मित्रता के जो है समय अहम है। मोदी ने कहा विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7% बढ़ा दिया, जबकि हैरी ब्रुक सुल्तान नए बन गए हैं मुल्तान की। तो बात करें देश का मुंगीन रतन टाटा ने के निकली अनंत यात्रा पर। वहीं बीटेक एमबीए एमसीए रिक्त सीटों पर पंजीकरण आज से शुरू जाएगा। और भारत ब्रांड की दाल चावल आटा फिर मिलेंगे क्योंकि महंगाई के कारण। वहीं लेखक हांगकांग को मिला साहित्य का नोबेल। अब नडाल के साथ विदा होगा एक युग। यहाँ भी देखिए मनोदगा परिषद के लिए 18 नए सदस्य चयनित हो गए हैं। पेपर लीक में ईडी करेगा अब संपत्ति को जब्त। वहीं कुमिर्मी समिति को मिला 25.11 लाख का बजट। और गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे चुनाव दोनों। नहीं बनाया गया उत्तराधिकारी, नए वारिस के चयन पर भी निगाहें हैं। कैबिनेट का फैसला, विधायक निधि 5 करोड़ रुपये बढ़ाएंगे। बीएड में 98% सीटें बढ़ी। अब पूजा दशहरा पूजा के बाद होगी दाखिला। पंजाबी बाप फ्लाईओवर के लिए अभी भी 1 माह करना होगा इंतजार। वहीं पीएम विश्वकर्मा 1 साल में 9 दशमलव छोटे छोटे कारीगरों शिल्पकारों को निखारेंगे कौशल। देखिए ICUT स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई। नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण मिली हार, राहुल गांधी ने कहा। हरियाणा में हार नहीं बुलाए गए हुड्डा सलजा और सुरजेवाल। तो रोडवेज मंत्री अफसरों को मिलेगी तैनाती। महाकुंभ के लिए 34 देश के राजयुक्त वेबसाइट को न्योता। वहीं सुविधा हुई होगी महाकुंभ में पहली बार चलेगी फास्ट चलिंग ट्रेन, जबकि नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा 15 लाख रुपये बढ़ाने का आग्रह। जापान के ताल रणनीतिक रिश्तों पर प्राथमिकता। दशहरे के बाद 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नायब सैनी। वहीं आचार संहिता हटते ही मोदी जी ने हरियाणा को भी 1947 करोड़ रुपया। और देश का मान बढ़ाने वाले रतन टाटा जी, जबकि यहाँ पर अगर देखें तो डॉक्टर पर 10 लाख का जुर्माना, सीएमओ महादेशक को कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि संविदा कर्मचारी को 2 माह से नहीं मिला है वेतन, डिप्टी सीएम ने दिया जांच का आदेश। जबकि श्रेया किसान के लिए भारतीय टीम की वापसी पर। वहीं देश भर से मोबाइल टावर के ऊपर चुराने वाले 6 गिरफ्तार हो गए हैं। अधिशासी अभियंता HDO समेत 3 निलंबित FIR के आदेश भी हो गए हैं। आसियान के चीन से दिखी तकरार, भारत से संबंध सुधारने का करार। और बड़ी बात यह है कि परीक्षा पास कर भटक रहे हैं 43,610 अभ्यर्थी। जूनियर एडेड विद्यालय में रिक्त 1854 पदों पर होना है चयन। 2022 में आया था परिणाम शिक्षक भर्ती। तो TGT PGT के 2022 के बाद से जहां से भी फॉर्म नहीं भरा गया, जनवरी में परीक्षा कराने की उम्मीद जताई जा रही। वहीं एक परीक्षा तो हो चुका है, जूनियर एडेड महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण करके 43,610 अभ्यर्थी 2 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वह शिक्षा निदेशक से लेकर के लखनऊ तक के चक्कर लगा रहे हैं, कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। परीक्षा नियामक जो प्राधिकारी हैं उनसे भी बात हुआ है, लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी 2021 में जूनियर एडेड महाविद्यालय में कुल शिक्षक और प्रधानाचार्य के 1894 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला। इसके लिए प्रदेश से कुल आवेदन आए थे। इसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। 150 अंकों की परीक्षा में 90 से अधिक अंक पाने वालों को सफल घोषित किया गया था। इसका परिणाम 12 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया गया। परिणाम आया तो कुछ अभ्यर्थी ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका आरोप है परिणाम में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर परिणाम संशोधित किए गए। PNP ने संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी कर दिया। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाएं खारिज कर दी। आदेश दिया कि संशोधित परिणाम के आधार पर ही चयन हो। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी। नियमानुसार रिक्त 1894 पदों के सापेक्ष काउंसलिंग होगी। सफल अभ्यर्थियों की मेरिट बनेगी, रिक्त पदों के अनुसार चयन होगा। यह मामला बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के पास लंबित है। पिछले दिनों कई अभ्यर्थी लखनऊ
उम्मीद निदेशक से मिली, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इससे सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थी ज्ञानविंदर सिंह बताया कि चयन प्रक्रिया न होने से उनका भविष्य धर्म लटक गया, इसके लिए निदेशालय में आंदोलन करेंगे। तो जब से ये भर्ती आई है तब से तो और भी पद खाली हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी हाल में ही 1 लाख प्रमोशन की बात कही गई है, जबकि 2 लाख पद खाली है। तो सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार अगर जितने पद खाली हैं उसका सिर्फ 50% भी प्रमोशन हो सकता है, जबकि जो प्राइमरी से जूनियर में प्रमोशन करेंगे इस हिसाब से 1 लाख लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब सीटें 2 लाख होगी, तो यानी 1 लाख की वैकेंसी निकालना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 लाख टोटल प्रमोशन कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि 50,000 परीक्षा के आधार पर होता है चयन, और 50% चयन जो है प्रमोशन के आधार पर होता है, यही नियम है। तो ये है परीक्षा पास कर भटक रहे भर्तियों से संबंधित।